गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के मुख्य बायोम्स। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अगर अपन बायोम होते क्या हैं ये देखें, तो जो इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम जो होता है वो स्मॉलर रीजन में अपन इकोसिस्टम की बात करते हैं। और इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ अंतरक्रिया करते हुए रहते हैं, इसे अपन इकोसिस्टम कहते हैं। और जो बायोम है ये एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें, जो कि इकोसिस्टम से बड़ा है। और इसका नाम जो है वो कैटेगराइज्ड किया जाता है क्लाइमेट, प्लांट्स और एनिमल्स जो कि उस एरिया में रहते हैं उनके बेसिस पे, कि सेम क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया में पाए जाने वाले जितने भी इकोसिस्टम हैं वो एक बायोम में कंसीडर किए जाते हैं। तो जो बायोम है वो एक लार्ज एरिया है लैंड का, जिसको कि क्लाइमेट, प्लांट्स और एनिमल जो उसमें पाए जाते हैं उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। और इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम सेम एरिया में आते हैं, इसे अपन बायोम कहते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोम की, कि बायोम कितने टाइप के हो सकते हैं। क्लासिफाई अगर अपन करें तो जो वाटर बेस्ड बायोम्स होंगे उन्हें एक्वेटिक बायोम कहेंगे, और जो लैंड बेस्ड बायोम हैं उनको टेरेस्ट्रियल बायोम कहेंगे। जलीय बायोम होंगे, जीवोम होंगे, या फिर स्थलीय जीवोम होते हैं। जो तापमान होता है और प्रेसिपिटेशन अमाउंट होती है, जो अवसादन मात्रा होती है, जो बारिश कितनी मात्रा में होती है, और वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म, इनके आधार पर जो वर्ल्ड के बायोम हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं एक्वेटिक बायोम की, एक्वेटिक बायोम कौन से होते हैं। एक्वेटिक बायोम जो होते हैं वो वाटर बॉडीज से रिलेटेड होते हैं, जो इनका हैबिट एक्वेटिक जो एरिया होता है, बहुत बड़े एक्वेटिक एरिया में पाए जाने वाले जो बायोम होते हैं उन्हें एक्वेटिक बायोम कहते हैं। और वो भी आगे कई भागों में अपन एक्वेटिक बायोम्स को बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रेश वाटर बायोम। फ्रेश वाटर बायोम जो होगा वो जो वाटर होगा वाटर बॉडी का वो वेरी लो साल्ट कंसंट्रेशन वाला होगा, और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं अपन वेटलैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स। लेक्स जो होती हैं उनमें, उनकी खास बात होती है कि थर्मल मिक्सिंग जो लेक में पाए जाने वाला वाटर है उसमें होती रहती है। और इसमें लेक्स में या फ्रेश वाटर बायोम में रहने वाले एनिमल्स होते हैं फिश, वाटरफॉल, एल्गी, क्रस्टेशियंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रिवर और स्ट्रीम जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, एक जगह स्थिर उसका वाटर नहीं होता, पानी नहीं होता है, और वो या तो कहीं लेक की तरफ मूव करती हैं या ओशन में जाके गिर जाती हैं अल्टीमेटली। और वाटर क्लियरिटी इसमें ज़्यादा होती है। और इसके एग्जाम फ्रेश वाटर बायोम का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोलंबिया रिवर इन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट फ्रेश वाटर बायोम का एग्जाम्पल है। अपन अब बात करते हैं सेकंड टाइप का एक्वेटिक बायोम, जो है मरीन बायोम या समुद्री जीवोम। समुद्री जीवोम जो होते हैं वो वर्ल्ड के जो ओशंस होते हैं, जैसे कि अपन बात करें इंडियन ओशन का खुद का एक बायोम है, पैसिफिक ओशन, इस तरह से ओशंस के जो बायोम हैं उन्हें अपन मरीन जो बायोम है, समुद्री जीवोम है वो कहते हैं। ये लार्जेस्ट एक्वेटिक बायोम्स होते हैं, जिसमें कि शॉल्ट वाटर की जो शॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, शॉल्टी वाटर इसमें ओशंस में पाया जाता है। और सनलाइट पेनिट्रेशन है वो पूरे वाटर में एक जैसा नहीं होता है, जिसके आधार पर इसका स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। इसमें इंटरटाइडल जोन पाए जाते हैं जहाँ पे टाइड्स और वेव्स ग्रेटली अफेक्टेड होते हैं। नीरेटिक जोन पाया जाता है, और जो कि कंटिनेंटल सेल्फ की तरफ होता है, जिसमें सनलाइट पेनिट्रेट करती है और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मात्रा में यहाँ होते हैं, सीवीड्स पाए जाते हैं। एक ओसिनिक पार्ट, पिलेजिक पार्ट होता है जो बीच का खुला पार्ट होता है, जिसमें कि टेम्परेचर जो है वो मिक्स होता रहता है करंट से। और इसमें फिश, सी मैमल्स,
इसमें पाए जाते हैं। बेंथिक जोन होता है जो कि इसके तले की तरफ होता है, डीप रीजन में होता है, जहाँ पे जो सनलाइट है वो ज़्यादा मात्रा में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और यहाँ पे सी स्टार्स, फिश, स्पॉन्जेज लाइन, ओशन फ्लोर, ये बायोटा इसका होता है। एक होता है एबाइसल जोन, जिसमें कि डीपेस्ट ओशन जोन कहते हैं, जिसमें हाई प्रेशर पाया जाता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है और सनलाइट बिल्कुल नहीं होती है, लगभग नेग्लिजिबल सनलाइट इसकी करेक्टराइजेशन होती है। अब अपन बात करते हैं थर्ड टाइप एक्वेटिक बायोम, जो वेटलैंड बायोम्स। वेटलैंड बायोम्स की अगर अपन बात करें तो इसमें शेलो बॉडीज ऑफ वाटर होती हैं, कि छिछला पानी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई पानी की नहीं होती है, कम पानी होता है। और यहाँ पे बॉक्स, मार्शेस, स्वाम्प, मड फ्लैट्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं वेटलैंड बायोम्स के। यहाँ पर जो फ्रेश वाटर वेटलैंड के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उसमें पाए जाते हैं। अगर अब एग्जाम्पल की बात करें तो बोलसा चीका इकोलॉजिकल रिजर्व इन ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया इसका वेटलैंड बायोम का एग्जांपल है। और एक्वेटिक बायोम में कोरल रीफ बायोम, कोरल रीफ तुमने सबने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है वो एक एग्जांपल है। तो कोरल रीफ, कोरल जो होते हैं अपने एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, जिनके कोरल बनाते हैं, जो स्पंजेज होते हैं, जो कोरल बनाते हैं, उनके द्वारा कोरल का निर्माण होता है। बहुत बड़ी, बहुत सारे एनिमल साथ में मिल करके बहुत बड़ा एरिया बना लेते हैं कोरल्स का, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। और वो कोरल रीफ होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बायोडाइवर्सिटी हाइएस्ट कैटेगरी की पाई जाती है, हायर लेवल की पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी। और ये पाए जाते हैं शेलो पार्ट्स ऑफ सब ट्रॉपिकल ओशंस में, और कैल्सिफाइड जो कोरल एनिमल हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है और टाइम के साथ ये बनती जाती है। अंडर वाटर स्पीसीज इसमें बहुत सारी पाई जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इसमें होती है। इसके बाद जो एक्वेटिक बायोम हैं उसमें अपन पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप है इसकी, एस्चुरी बायोम या वेलांचली जीवोम। ये वो एरिया होगा जहाँ पे फ्रेश वाटर और ओशन वाटर आपस में मिलते हैं, उसे अपन एस्चुरी या वेलांचल जो इकोलॉजी होती है वो कहते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो, उनकी खास बात होती है, वेलांचली जो जीवोम हैं वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं वो सेलिनिटी, जो पानी की सेलिनिटी होती है उसमें जो चेंज होता है हेलोफाइटिक, वो टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, और इन्हें हेलोफाइटिक अपन कहते हैं। और ये बहुत सारे क्रस्टेशियंस, वाटरफॉल इनको ब्रीडिंग के लिए ग्राउंड अवेलेबल कराने का काम करती हैं एस्चुरी बायोम्स। और इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो फ्लोरिडा एवरग्लेड्स इसका एग्जांपल है। तो अपने एक्वेटिक बायोम यहीं ख़त्म होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं टेरिस्ट्रियल बायोम्स। अब टेरिस्ट्रियल बायोम्स क्या होते हैं? टेरिस्ट्रियल जो बायोम हैं, आज अपन अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, टेरिस्ट्रियल बायोम। अपन नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे।